तो क्या हाल है आप सबके। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता वर्सेस हैदराबाद के बीच हुए मैच के बारे में। तो यार कोलकाता ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया और हैदराबाद के पिछवाड़े में लात मार करके हैदराबाद को पॉइंट टेबल में सबसे नीचे फेंक दिया। तो यार नजर डालेंगे इस मैच के कुछ हाइलाइट्स पर और बनाएंगे उनको बकचोदी वाली हाइलाइट्स। उससे पहले अगर आप IPL फ्री में देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह हैदराबाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद करती है, जो कि अभी तक इस IPL सीजन में किसी टीम ने टॉस जीतकर के नहीं किया था। तो हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो। और हैदराबाद की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। जॉनी बेयरस्टो 10 गेंदों में 5 रन बना करके पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। चल बाजड़ी के पैट कमिंस विकेट उखाड़ करके उनके पिछवाड़े में डाल देते हैं और जॉनी बेयरस्टो जॉनी जॉनी यस पापा छक्का मारूंगा नो पापा कह करके वापस चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं मनीष पांडे डेविड वार्नर के साथ मिलकर के अच्छी साझेदारी करते हैं और डेविड वार्नर 30 गेंदों में 36 रन बना करके वरुण चक्रवर्ती को कैच दे बैठते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। उसके बाद आते हैं रिद्धिमान शाह। तो भैया रिद्धिमान शाह और मनीष पांडे दो ये भारतीय बल्लेबाज मिलकर के ऐसा चिपक जाते हैं कि दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छी साझेदारी करते हैं और मनीष पांडे 38 गेंदों में 51 रन बना करके आंद्रे रसेल की फुलटास गेंद में कैच दे बैठते हैं। उनको पता ही नहीं चलता बेंचेस हुआ क्या उनके साथ, वो कैसे आउट हुए उनको यही नहीं पता चला आज तक। उसके बाद रिद्धिमान शाह 31 गेंदों में 30 रन बना करके पैट कमिंस उनको रनआउट मार देते हैं। पर भैया उसके बाद आते हैं मोहम्मद नबी जो 8 गेंदों में 11 रन बना करके नॉट आउट रहते हैं। वहीं से सनराइजर हैदराबाद का स्कोर जो होता है 142 रन पर 4 विकेट खो करके 20 ओवर समाप्त हो जाते हैं। पर भैया हैदराबाद इस स्कोर से बहुत ही ज़्यादा नाखुश होती है क्योंकि भैया जब 4 विकेट गिरे हो तो 142 रन का क्या अचार डालोगे, कम से कम 180 रन तो बनाने चाहिए थे जब 4 विकेट गिरे हैं। तो भैया कोलकाता को टारगेट मिलता है 143 रनों का। उसके बाद कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं सुनील नारायण और सुमान गिल। पर भैया जो कोलकाता की शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और सुनील नारायण दूसरे ही ओवर में 2 गेंदों में 0 रन बना करके खलील अहमद का शिकार हो जाते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। लेकिन भैया उसके बाद नीतीश राणा और सुमन गिल मिलकर के बहुत ही अच्छी साझेदारी करते हैं और नीतीश राणा 13 गेंदों में 26 रन बना करके आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक बैंचोद, ये बहुत हरामी है लौंडा, इसने जो किया ना 3 गेंदों में 0 रन बना करके कैप्टनसी की नाक कटा करके रख दी। राशि तक उनको LBW कर देते हैं 3री गेंद में। हम सब तो लड़ने बैंचोद। लेकिन भैया उसके बाद इयान मॉर्गन और सुमन गिल मिलकर के ऐसा क्रीज में चिपक जाते हैं जैसे किसी ने उनके पैरों में फेविकोल मरीन लगा दिया हो जो पानी में भी न छूटे। तो भैया सुमन गिल और इयान मॉर्गन के मिलकर के बहुत ही लंबी साझेदारी करते हैं और कोलकाता को जीत दिला देते हैं। बेली की नागिन निकाली मुन्ना पे डोड़ा लगला बेली की नागिन निकाली। इयान मॉर्गन 29 गेंदों में 42 रन बनाते हैं 3 चौके और 2 छक्के मार करके नॉट आउट रहते हैं। वहीं सुमन गिल जो मैन ऑफ द मैच रहते हैं 62 गेंदों में 70 रन बनाते हैं 5 चौके और 2 छक्के मारते हैं। इसके बाद कोलकाता की जो टीम होती है वो 7 विकेट जीत से जीत दर्ज कर लेती है और 12 गेंद वो भी रह जाती है सनराइजर हैदराबाद के पास। और सनराइजर हैदराबाद उन 12 गेंदों का रात में अचार डाल के सब्जी के साथ आराम से खाएगी, फिर सोएगी, अगले मैच की तैयारी करेगी। तो भैया यही थी इस मैच की हाइलाइट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्री में IPL देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के देख लेना। वीडियो बहुत ही अच्छी होगी वो वाली, तो जाकर के फटाक से देखो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।